दोस्तों नमस्कार, लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये सीरीज ए है जेपीएससी की, तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। जो यूपी का दे रहे हैं वो भी इसको देख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं और कुछ क्वेश्चन रिपीट होने के बिल्कुल चांस होते। इसमें भी कई अदर स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसके क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। अभी आपको बताएंगे कि वो कौन से क्वेश्चन हैं। तो इनमें से पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन भारत की लेटराइट मृदा के संदर्भ में सही है। लेटराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती, बिल्कुल बात सही है। लेटराइट मृदा में ह्यूमस की समृद्धता होती तथा वह पश्चिमी बंगाल, असम, उड़ीसा में पाई जाती है, गलत है। क्योंकि लेटराइट मृदा भारत में आप देखोगे तो ये केरल वाली, जहाँ पर 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, तो मालाबार के तट पे ये पाई जाती है, इसलिए वो इसमें ह्यूमस की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, बाकी गलत है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है। ऐसे क्वेश्चन में नहीं पता हो तब भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में, कि ये तो पता ही है कि भारत में सर्वाधिक जो पॉपुलेशन है वो कृषि पर डिपेंड है, तो जाहिर सी बात है इसमें आश्चर्य की कोई बात भी नहीं कि सबसे ज़्यादा जल उपयोग कृषि क्षेत्र में ही होता होगा और इसका सही आंसर कृषि क्षेत्र हो जाएगा। अगला, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो रटा रटाया क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट हो चुका, इसका आंसर नागालैंड हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की सर्वाधिक संख्या है, ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तो ये सर्वाधिक संख्या नगरों में महाराष्ट्र, परसेंट वाइज पूछे तो गोवा ऑप्शन में है नहीं, तो ऐसी दशा में महाराष्ट्र इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा, काफ़ी अंदर घुस के पूछा है कि अगर 22 को सबको पता है कि यहाँ जो मनमानी तरीके से किसी गिरफ्तारी होती उसे सुरक्षा प्रदान की गई, लेकिन 22-1, 22-2, 22-3 व 22-4 में क्या है, ये आपको पता होगा तभी ये क्वेश्चन कर पाते। देखते हैं कि कौन सही सुमेलित नहीं है, ये जरूर देख लीजिए। ऊपर आपका क्या पूछ रहा है, नाट वाला पूछ रहा है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। 22-M लिखा गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव बताया जाए। दूसरा, 22-1 में बोली गई, 22-1 में ही बोला गया कि उसे स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा करने का अधिकार होगा। इसके बाद ये गलत लिखा हुआ है, जो 22-4 लिखा गया कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई भी विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकरण नहीं होगा, ये गलत है, क्योंकि 22-4 में ये नहीं कहा गया। बाकी ये 22-2 में अगला वाला भी लिखा गया कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। हालांकि अब ये आपका हटा दिया गया है जो अभी संविधान संशोधन हुआ, लेकिन इसमें विधानसभा का पूछ रहा, एंग्लो इंडियन का पूछ रहा, तो 333 ध्यान रखिएगा, इसका आंसर 333 हो जाएगा। और वैसे अगर लोकसभा का पूछे तो 2 एंग्लो इंडियन, ये 331 में लिखा गया है। आगे आइए, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। जुडिशियल एक्टिविज्म शुड नॉट बिकम जुडिशियल एडवेंचरिज्म। ये इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट दिया गया है न्यायमूर्ति A.S. आनंद के द्वारा। अब कई लोगों को लगा होगा कि P.N. भगवती, अगर ये पूछा जाता जो आप PIL दायर करते हो, जो मन चाहे हो वो सूचना आप ले सक, यहाँ कोई भी पब्लिक इश्यू है तो उसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो PIL दायर करके, जिसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, वो तो P.N. भगवती और कृष्ण अय्यर की देन है। लेकिन जो न्यायमूर्ति A.S. आनंद ने कहा था कि न्यायिक सक्रियतावाद कभी भी न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए, इसका आंसर हो जाएगा 7C। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा। रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य और पश्चिम बंगाल बनाम सुबोध गोपाल, दो केस ये किससे संबंधित हैं, ये जमींदारी प्रथा से संबंधित हैं, तो ये आप ध्यान दीजिएगा।
अगला पूछ रहा, लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अग्री टू सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट, इसका आंसर पहला हो जाएगा, राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। अगला, भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सही है? ये अपने आप में चार क्वेश्चन अलग से भी बन पूछे जा सकते हैं और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम मानेंगे, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पहला स्टेटमेंट दिया गया कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में किया, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, हरिपुरा की अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की, ये भी बात सही है। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया, तो ये आपको पता है कि 2015 में नाम परिवर्तित किया गया और योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया किया गया, तो ये भी बात सही है। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति, तो यहाँ से अलग से ये फैक्ट आप नोट कर लीजिएगा कि जो राष्ट्रीय योजना समिति है, राष्ट्रीय योजना समिति इसका गठन कब हुआ, 1938 में हुआ, और ये अध्यक्षता लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, इसकी अध्यक्षता नेहरू ने किया था। नेहरू का मतलब कौन, जवाहरलाल नेहरू। तो इस यहाँ पर आपके सारे स्टेटमेंट सत्य हैं, डी आंसर हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगला पूछा गया, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिलेबस में था इसलिए क्वेश्चन भी वहाँ से कुछ बुकों से आए हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, और बुक का नाम है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। पुस्तक का नाम है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस। इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्रोफेसर अतुल कोहली जी हैं, इसका आंसर बी हो जाएगा। सुशासन के संदर्भ में क्या सही नहीं है, तो सुशासन में सहभागिता एवं विधि का शासन होता है, बिल्कुल बात सही है। दूसरा, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व तय होता, समता एवं समावेशन होता, लेकिन धार्मिकता व भावुकता, रिलीजियोसिटी एंड इमोशनलिटी का कोई भी यहाँ स्थान नहीं होता, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निराधारित होगा यानी अयोग्य होगा अगर वो 21 साल से कम आयु का है, तो पंचायत व नगर पालिका का सदस्य बनने की जो मिनिमम एज है वो 21 है, लेकिन वोट देने की मिनिमम एज आपको पता है कितनी है, 18 वर्ष है, और ये 18 ए भी पहले 21 थी, इसको घटा करके 61 संविधान संशोधन से ये किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा, पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करने का प्राधिकार किसको सौंपा गया है, तो ये 243 आई पंचायत का पूछे तो 243 आई, अगर नगर पालिका का पूछे तो 243 वाई, आई वाई ऐसे याद रखिए, आई और वाई, ये नगर पालिका का है, ये पंचायत का है। इसमें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है और ये वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो यहाँ पर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है यानी राज्य के गवर्नर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला पूछ रहा, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है, वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं, यानी जो केंद्र के द्वारा राज्यों को पैसा दिया जाता है उसमें क्या क्या, तो टैक्स शेयरिंग की जाती है, अनुदान दिया जाता है, ग्रांट इन एड दिया जाता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पैसा फंडिंग की साझेदारी करते हैं, तो ये तीनों तो हैं लेकिन अब गार्डकिल फार्मूला के अंतर्गत यानी पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी वाला। अगला पूछ रहा, भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा एक कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा वसूला जाता, इस क्वेश्चन में अगर कॉमन सेंस लगाते तब आप लगा सकते थे, कैसे, जैसे GST, तो ये तो पता है कि GST 1 जुलाई, ये भी डेट आगे याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को GST को लागू किया गया, और GST से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन है, और इसके संबंध में अन्य बातों की करें तो तीन प्रकार की GST इसमें बात की गई, एक CGST सेंट्रल GST, एक स्टेट GST होता है, एक आपका IGST होता है,
तो इसमें आपका देखने से लग रहा है कि इसमें स्टेट वाला तो स्टेट वसूलेगा, इसमें तो दोनों लोग मिलजुल कर करते तो ये ऑप्शन आप काट देते, ये नहीं होगा। इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, इसमें भी केंद्र के द्वारा वसूला जाता है, लगाया जाता है, लेकिन केंद्र और राज्य के मध्य इसमें बंटवारा होता है। तो ये भी आपका चूँकि सबसे ज़्यादा कहा जाए कॉरपोरेट टैक्स और इनकम टैक्स से ही प्रत्यक्ष कर से आय होती है भारत सरकार को, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो इसको भी काट सकते थे। नहीं भी आता तब भी सही आंसर आप सी लगा सकते थे। लैंड रेवेन्यू का पैसा सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड और कलेक्टेड किसके द्वारा किया जाता, राज्यों के द्वारा किया जाता है। यानी लैंड जो है वो राजसूची का विषय है, इसमें केंद्र का कोई भूमिका नहीं होती। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ टैक्स असाइनमेंट इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैक्स एक्सक्लूसिवली इम्पोज्ड एंड कलेक्टेड बाय स्टेट्स, राज्यों के द्वारा। तो ये लैंड रेवेन्यू हो गया, तो ये पूरा पैसा राज्यों के द्वारा वसूला जाता है और कलेक्ट किया जाता। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य क्या होता? भारत सरकार के द्वारा जितना कर्ज लिया जाता है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खर्चों को, उसी को क्या कहा जाता? उसी को राजकोषीय घाटा कहा जाता। इसमें देख लीजिए, यानी कमाई 100 रुपये की है लेकिन खर्चा 102 रुपये का है, तो ये 2 रुपये जो एक्स्ट्रा ब्याज अन्य स्तर पे, वो घरेलू हो सकता है, वह बाह्य संस्थाएँ हो सकती, वहाँ से जो ये पैसा कर्ज लिया जाएगा इसी को क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ये अंतर जो होता है यही द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल, तो इसका पहला हेरा डोमर मॉडल है और दूसरा जो पीसी महलनोबिस मॉडल, और दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला। निम्न में से कौन सा एक क्रम है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपका कौन कौन है? तो आपका PCI पर कैपिटा इनकम, दूसरा PQLI। अब आपको ये आपको क्वेश्चन होना चाहिए PQLI है क्या? तो इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, या इसी को सीधे अब यहाँ ये फंसाया है फिजिकल क्वांटिटी PQLI, इसी को इसमें जीवन प्रत्याशा लिखा जा सकता था, लेकिन जीवन प्रत्याशा न लिख करके क्या लिखा गया? तो ऐसे टर्मिनोलॉजी के लिए भी तैयार रखिए फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, इसी को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स। इसी प्रकार एक और आपका क्वालिटी इंडेक्स होता है, तो वो किसके द्वारा विकसित किया गया वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ये 2020 के PCS3 में पूछा गया था क्वालिटी वाला। तो ये यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो SDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता, PQLI यानी फिजिकल क्वांटिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स होता, और PCI पर कैपिटा इनकम होता है। तो इसका आंसर डी होगा, ये बिल्कुल सही है। आगे आइए, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रा स्फीति आधारित होती, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। अब हेडलाइन इन्फ्लेशन जो एक होता हेडलाइन इन्फ्लेशन, एक होता कोर इन्फ्लेशन, कई टाइप्स के आपके इन्फ्लेशन होते हैं, इनको आप टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन तैयार करिएगा। यहाँ जो हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात हो रही है, इस CPI वो भी किससे? कंबाइंड CPI कंबाइंड पे आधारित होता है, और इसका आधार वर्ष कब है इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये अन्य पूछा जा सकता है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स के आधार पे क्या निकाला जाता, तो अन्य कई होती उसको भी आप इसको हर एक ऑप्शन को तैयार कर लीजिए अगले एग्जाम के लिए। तो इसमें जो CPI है ये कंज्यूमर कहाँ गया, यहाँ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर CPI की बात करें तो ये वाला आरबीआई के द्वारा भी अब CPI को ही आधार बनाया जाता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और ये भी क्वेश्चन आपके किसी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? CPI और ये कंबाइंड, इसके आधार पे क्या किया जाता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन। कौन सी इन्फ्लेशन? हेडलाइन इन्फ्लेशन को निकाला जाता है। आगे आइए, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ राज्य क्षेत्र के लिए समय की सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्यों की ओर
होने वाली प्रगति को संकलित करता और राज्यों को प्राप्तिकर्ता गणनीय निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समय की सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा अग्रणी राज्य नहीं, देखो इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों ध्यान रखिएगा, 2020 में पीसीएस प्री में यूपी पीसीएस की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा गया था यूपी किस में आता है, तो इसको अच्छे से तैयार करिएगा, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंडेक्स। इसमें तीन आपके रखा गया है, क्लासिफाइड किया गया, एक तो फ्रंट रनर होता है, फ्रंट रनर इसको इंग्लिश में ऐसे याद कर लीजिएगा। दूसरी जो कैटेगरी होती है और परफार्मर की होती है, परफार्मर। और तीसरी कैटेगरी जो होती है वो एस्पायरेंट्स की होती है। तीनों में भारत के कितने राज्य हैं ये आपका, अब कम से कम इसकी लिस्टिंग तैयार कर लीजिए अगले एग्जाम के लिए, क्वेश्चन टपकेगा। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में जो टॉप की करता है वो केरल है, केरल है। तो इनमें अब अगर जो राज्य पूछा है कि इसमें किस पे पूछा है, इंग्लिश वाला देखिएगा, फ्रंट रनर में कौन शामिल नहीं, तो केरल होगा, केरल व तमिलनाडु होगा, हिमाचल प्रदेश से टॉप मोस्ट के ये राज्य हैं, तो ये तीन तो वैसे काट देते, तो बचता कौन, गुजरात। और गुजरात इसका सही आंसर है। फिलहाल के लिए आपको तीनों कैटेगरी इसमें जो आपकी हैं उसके लिए फ्रंट रनर, परफार्मर, फ्रंट रनर, परफार्मर और आपका एस्पायरेंट, तीनों की स्टेट कौन किस में स्टेट शामिल है और अपना यूपी किस में है, ये तैयार कर लीजिए। जब भी नया इंडेक्स आए ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो इसमें तैयार रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा। अगला कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में 2020 में ये हो सकता पूछ लिया जाए, विश्व वाले में इंडिया की रैंक क्या है, इसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा। आगे आइए, देश के 29 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूटीज के 312 शहरों कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम, इसको क्या बोलते हैं, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इसमें पूछ रहा कौन, इसमें कौन कौन शामिल है। इसका पहला वाला आंसर हो जाएगा SO2, NA2, PM10 और PM2.5 इसमें शामिल है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इसमें शामिल नहीं है। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है, तो बहुत आसानी से इसमें कर सकते थे, तो इसमें IMF और दूसरी वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये किसका, ब्रेटन वुड समझौता 1944 में हुआ उसी से निकली हुई है, तो इसका आंसर संयुक्त राष्ट्र संघ हो जाएगा। यदि एक समय अंतराल में बाजारी शक्तियों के द्वारा विनिमय दर 60 से, देखो 60 रुपये से कितना हो गया अब 65 रुपये, अब इस बात को समझिएगा, पहले एक डॉलर खरीदने के लिए 60 रुपये आपको, 60 रुपये पे एक डॉलर मिलता था, अब 65 रुपये देना होगा तब एक डॉलर मिलेगा। और ये किसकी वजह से, डिमांड एंड सप्लाई, इसमें कॉन्सेप्ट लगा हुआ बाजारी, जब बाजारी फैक्टर की वजह से, मार्केट फैक्टर की वजह से, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई लोग गलती किए होंगे जल्दबाजी में, उनको क्या डिवोल्यूशन ऑफ रुपीज ये लगा दिए होंगे, लेकिन दोस्तों ये आंसर नहीं होगा। जब सरकार ऐसा करे तो इसे रुपये का अवमूल्यन कहा जाता है, लेकिन सरकार ने यहाँ शब्द यूज किया गया है मार्केट फैक्टर की वजह से, बाजार में रुपये की डिमांड एंड सप्लाई की वजह से ये हुआ, और इसी को कहा जाता है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें गलती जल्दबाजी में ये किए तो आपका, बहुत ध्यान से इसलिए क्वेश्चन रीड करना चाहिए, तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, अगर सरकार ऐसा करती बाजार फैक्टर की वजह से नहीं होता, तब आंसर भी होता, रुपये का अवमूल्यन होता, तो ये इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन। ठीक, तो इसका आंसर डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा, पहला ऑप्शन। अगला पूछ रहा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, गुण सूत्रों की वंशानुगत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो दोस्तों ये सिद्धांत दिया गया है सूटन एंड बोबोरी के द्वारा, सूटन एंड बोबोरी के द्वारा दिया गया। जेनेटिक्स का सिद्धांत आपको पता है किसके, मेंडल के द्वारा प्रस्तुत किया गया। वाल्डेयर आप बताइएगा, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है, और मूलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, इन दोनों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है।
अगला लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे आप एलईडी बोलते हो, ये किस पे काम करता है? तो ये वैद्युत संदीप्ति या इलेक्ट्रो ल्यूमिनेसेंस के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अब यहाँ लाइट आई है तो ये भी आपको पता होना चाहिए। लेजर एम्पलीफिकेशन स्टिमुलेशन एमिशन ऑफ रेडिएशन इसकी फुल फॉर्म है। तो ये लेजर की फुल फॉर्म या ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है वो पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा। तो इसमें ये तीन को तो वैसे काट सकते थे, एक्सरे, गामा रे, पराबैंगनी। तो ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जांपल है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सुपरसोनिक वेव्स। सुपरसोनिक वेव्स इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको पता है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि और ये कौन, ये अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है। ध्वनि के लिए मीडियम क्या हो सकता है? अगर यहीं पर ध्वनि हो जाता तब आंसर क्या हो जाता, यानी आपका ताप दाब घनत्व सबका प्रभाव पड़ता, लेकिन प्रकाश के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं। तो ये ताप दाब घनत्व के प्रभाव से स्वतंत्र होता है, इसीलिए आप वैक्यूम में देखते हो, वैक्यूम में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं, इसलिए आपको इंसेक्ट्स पूछ रहा। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप हर जो लेटेस्ट एग्जाम एक साल के अंदर हो रहे हैं सभी क्वेश्चन आपको देखना चाहिए, कहाँ कौन सा क्वेश्चन रिपीट हो जाए कुछ पता नहीं। ये क्वेश्चन जो UPPCS का एग्रीकल्चर वाला पेपर हुआ था, सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन के साथ पूछा गया है। अब पेपर हमने यहीं चैनल पे डिस्कस करवाया, आप पेपर उसको देखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइडर। स्पाइडर एंथ्रोपोडा है, अर्थ यानी ये आपका अर्थोपोडा है और ये आपका कीट नहीं है। तो इसका आंसर मकड़ी हो जाएगा, स्पाइडर जो कीट नहीं है, बाकी मच्छर, घरेलू मक्की, खटमल ये सब होते हैं। अगला, क्वांटम सूचना का एक मूल मात्रक है तो ये क्यूबिट में मापा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। अगला, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज डज नॉट इंक्लूड, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित क्या नहीं करती। तो इसमें जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस लगाते कर लेते, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, तीनों होते, लेकिन ये सरकार का काम होता। एलो अलाटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम की बोली लगती आप इतना तो कॉमन सेंस लगा के कर ही सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें शामिल नहीं होता है। अगला, फैक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत, इसको एनालॉग व डिजिटल दोनों रूपों में प्रयोग किया जा सकता। तो इसका आंसर सी होगा। पौधों द्वारा ली जाने वाली नाइट्रोजन का रूप क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका नाइट्रेट हो जाएगा, नाइट्रेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट के रूप में पौधे सीधे नाइट्रोजन प्राप्त नहीं कर पाते, जब तक कि नाइट्रेट में ना बदले, तो पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन लेते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन और नॉर्मल है। टिक्का, ये आप सुने ही हैं, टिक्का सबसे ज़्यादा मूंगफली में हानिकारक रोग होता है। अगला बताइएगा, पाउडर मेल्ड्यू ये कहाँ होता, डंपिंग आप किसमें होता, इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण, आप सोचिए, मक्का, उसके बाद आलू, उसके बाद गन्ना, उसके बाद मूंग। तो ये आपका, चूंकि गन्ना 5-6 महीने में ही ज़्यादा समय लग जाता, फिर आपका आलू 3-4 महीने के लग जाएगा, मक्का 3-4 महीने, एवरेज अगर 3-3-3-3 मान के चलें तो, और फिर आपका तो इसमें एक साल से ऊपर, वैसे 4-4 मानेंगे तब भी एक साल से ऊपर का समय जाएगा, और एक कॉमन सेंस लगा के निकाल सकते कि 2 वर्षीय फसल होगी, क्योंकि फसल यहाँ दी है 4, तो ये आपका एक साल से ऊपर वाले ज़रूर चला जाएगा। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है, तो मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम ये लास्ट वाला आंसर हो जाएगा, टिट्रिकम ड्यूरम, ये मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। तो इसका 37 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 37 का आंसर डी हो जाएगा। अगला, प्रथम शाकनाशी विश्व में उत्पादन, ये भी क्वेश्चन UPPCS का रिपीट है, UPPCS में सेम क्वेश्चन है, इसके पहले पूछा जा चुका है। तो UPPCS का ये भी क्वेश्चन 240, ये प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन ये कौन है, तो ये सबसे पहले ये हर्बिसाइड बनाया गया था, 240।
अगला, भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी है? तो अल्फांसो आम देखते हुए यूरोप में बहुत ज़्यादा भारत का क्या किया जाता है, निर्यात किया जाता है। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश किस नाम से जाना जाता था? तो ये कहलाता था कुकरा। आडवी, ये जंगल की जो भूमि होती है उसको आडवी बोलते हैं, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश किस ओर से हुआ? ये भी आपका सिंह भूमि, कॉमन सेंस लगा के कर सकते थे, सिंह भूमि प्रमुख उस समय हुआ करता था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता ये पहला वाला हो जाएगा, गंगा नारायण था। अगला, आदिवासियों का निवास स्थान टांडा के अन्य किस नाम से? तो टांडा बिरहोर, जो बिरहोर है उनको टांडा, उनका निवास स्थान टांडा किसका होता? बिरहोर जो जनजाति है उसका होता है। अगला, आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मैयारी कहा जाता किस में? तो दिए गए ऑप्शन में कोई सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। अगला, घुमकुरैया का तात्पर्य क्या है? तो जो यूथ डॉर्मेट्री होता है, युवा ग्रह, उसी को घुमकुरैया कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस पर्व से जो पहाड़ी इनकी कौन सी यहाँ इकोनॉमिक कंडीशन आप पहाड़ी खरिया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है, इसका आंसर कौन? जेठ नवा किया, इसका डी आंसर हो जाएगा। पालकोट की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो पालकोट की गुफाएं 47 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, तो 47 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये कहाँ स्थित हैं पालकोट की गुफाएं। अगला आइए, लोहा गलाना निम्नलिखित में से किस एक आदिवासियों का पेशा था? तो असुर जो जनजाति थी उसका पेशा था। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? तो मंदिरों के नगर के रूप में किसको जाना जाता है? मलूटी को मंदिरों के नगर के रूप में जाना जाता है। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, तिब्बत में क्या कैलाश मानसरोवर स्थित है। आगे आइए, विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जली घास फूस क्या है? वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वाटिक बीड, तो इसका क्या हो जाएगा, यानी इकोर्निया, ये आपकी क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। निम्न में से परमाणवी बिजली घर और राज का गलत बताना है कौन? तो कुडनकुलम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में है, कल्पक्कम तमिलनाडु, तो यहाँ पर दो गलत मैच हैं, यानी बी सी दोनों गलत हैं, तो इसमें आपका क्या है, दोनों सही सुमेले नहीं है। पता नहीं कैसे पेपर लोग बनाते हैं, कितना पेपर भी क्रॉस नहीं चेक किया जाता कि हम देख लें कि पेपर अब अनियमितता देख सकते हो कि एग्जाम में कैसी है। ऐसे क्वेश्चन अब मान लो कोई इसमें दो आयोग ये तो क्वेश्चन डिलीट होना चाहिए, बिल्कुल गलत है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाए जाने चाहिए। अगला, टैक्स ऑन सेल ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, जो आपकी वंशानुगत संपत्ति होती अगर वो आप उसको बेचते हो तो आपको पता है क्या लगता है, वेल्थ कर, संपदा कर लगता है, वेल्थ कर उस पर लगता है। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? कथक देखते हो कि आपका इसमें जो कथक है ये आपका मुगल परंपरा से प्रभावित रहा है। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो कोयला जलाना, जो कोयला जलाया जाता है वो सब सर्वाधिक क्या है, यानी घरेलू प्रदूषण का कारण है। निम्न में से कौन सा लौह धातु का एक अयस्क है? तो इसमें हेमेटाइट आपका लौह का क्या है, एक अयस्क और है। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन में क्या होता है, क्या चीज़ नहीं पाई जाती, तो इनफॉर्मल टाइप जो गाँव में अपनत्व का भाव होता है वो शहरों में नहीं पाया जाता, क्यों? क्योंकि शहरों में कंपटीशन है, इम्पर्सनल रिलेशनशिप हैं, लॉस ऑफ ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, मानवीय मूल्यों का ह्रास है, लेकिन ये आपका पहला वाला नहीं है। 1947 से पहले 26 जनवरी को, तो ये 1929 का जो लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ, वहाँ पर ये संकल्प लिया गया था कि 1930 को क्या मनाया जाएगा, यानी जब तक भारत की आज़ादी हम हासिल कर लेंगे इसी को पूर्ण स्वतंत्र स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे, तो ये 1947 के पहले इसको पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। निम्न से किन्हें भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, और ये भी क्वेश्चन कहाँ, तो एमपीपीसीएस का पूछा गया, एमपीपीसीएस का रिपीट क्वेश्चन है,
एमपीपीसी 2019 का सेम क्वेश्चन वहाँ पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई। एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन इनको कहा जाता है, जो आपका इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम है, जिसमें पटना ये मिसाइलें यानी पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश ये जो मिसाइलें विकसित की गई पटना कार्यक्रम, और ये 1983 का कार्यक्रम है, तो 1983 में, तो ये एपीजे अब्दुल कलाम, तो मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। अन्य के लिए आप तैयार कर लीजिए, लेकिन यहाँ अंतरिक्ष कार्यक्रम का पूछा है तो आंसर विक्रम साराभाई हो जाएगा। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, पहली जनजाति आपसे पूछा जाए तो कौन सी है, तो पहली जनजाति भारत में जो पाई जाती है वो कौन सी है, इसका आंसर आप लोग बताइए। भारत में जो पहली सर्वाधिक मध्य प्रदेश की भील, सर्वाधिक भारत की सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति भील है, क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, ये अन्य एग्जाम में भी पूछा है। सेकंड पूछा जाए तो गोंड, तो यहाँ पर सेकंड पूछ रहा तो इसका गोंड हो जाएगा। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, तो 2019 का बजरंग पुनिया को कुश्ती में दिया गया है। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा कब की गई, तो ये 10 दिसंबर को हर साल क्या मनाया जाता है, यानी विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को लागू किया गया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर 1948। आगे आइए, ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने नोबल पुरस्कार किसके लिए जीता, ये अच्छा क्वेश्चन है, और इस साहित्य के लिए, आपको लगेगा कि शांति वांति होगा, नहीं, ये साहित्य के लिए इनको नोबल पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में भारत के राज्यों में कौन सा सर्वाधिक वनाच्छादित है, तो ये मिजोरम इसका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक फॉरेस्ट कवर जो है वो आपका मिजोरम में है। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रो रो फेरी सेवा किन दो स्थानों को कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती घोघा एवं दाहेज को कनेक्ट करती, पहला आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है, अर्ली वार्निंग आपदा आने के पहले किया जाएगा, जोनिंग ये भी पहले किया जाएगा, उसके बाद प्लानिंग एंड पॉलिसी पहले ही बनाया जाएगा, लेकिन जब नुकसान हुआ तो उसके लिए क्या रिकंस्ट्रक्शन बाद में किया जाता है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को प्रारूप स्वीकार हुआ था राष्ट्रीय ध्वज का। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में अब पूछे तो अरुण कुमार मिश्रा, लेकिन ये पुराना पेपर पहले बना हुआ है तो उस हिसाब से अरुण कुमार मिश्रा ये अब वर्तमान में है, लेकिन दिए गए ऑप्शन में आंसर आपको क्या आ रहा, अरुण कुमार मिश्रा किसी में नहीं आ रहा, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका 68 वाले का सही आंसर क्या होगा, इसका बी हो जाएगा, यस राजेंद्र बाबू, जब ये क्वेश्चन पूछा तब का थे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ये अपडेट पेपर पहले का बना हुआ है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ किया गया, तो ये बना 2005 में, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ, तो ये 1911 पहला आंसर हो जाएगा, एयर सर्विस। टोडा जनजाति मुख्यतः, तो आपका जो ये पश्चिमी घाट पूर्वी घाट यहाँ जो मिलन होता है इसे बोलते हैं नीलगिरी, और नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाई जाती है, और यहाँ जो प्रमुख रूप से फैली हुई है ये टोडा तमिलनाडु, यहाँ एक ही ऑप्शन इसमें दिया गया, केरल कर्नाटक तमिलनाडु का बॉर्डर पे ये पाई जाती है, तो टोडा तमिलनाडु यहाँ आंसर हो जाएगा। भारत में उचित पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई, यानी 33%, ये मिनिमम आपका होना चाहिए। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है, यानी सौर क्षमता भी हुआ नहीं लेकिन पोटेंशिबिलिटी है, तो पोटेंशिबिलिटी कहाँ, राजस्थान में है सर्वाधिक। पवन ऊर्जा पूछता तो पवन ऊर्जा में आप क्या लगाते, तमिलनाडु, दोनों क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पवन ऊर्जा तमिलनाडु, लेकिन आपका यहाँ सौर ऊर्जा पूछ रहा तब आंसर राजस्थान हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र की स्थापित सर्वाधिक क्षमता है, तो तारापुर महाराष्ट्र, तारापुर कहाँ, महाराष्ट्र इसकी सर्वाधिक क्षमता, काकरा पार गुजरात, केरल, कैगा कर्नाटक, नरोरा बुलंदशहर यूपी का है। भारत में सर्वाधिक जनजाति, अब यहाँ आंसर गोंड हो जाएगा, नंबर एक पे, सॉरी
सर्वाधिक जनजाति यहाँ भील हो जाएगा। सर्वाधिक भारत में नंबर एक पे भील और नंबर दो पे गोंड पाई जाती है, ये आप ध्यान रखिएगा आगे के लिए। भारत के किस राज्य में जो रोड्स हैं उनकी डेंसिटी सर्वाधिक है? अब दिए गए ऑप्शन में आपको चूज करना है। वैसे तो आपको महाराष्ट्र है, लेकिन नेटवर्क रोड्स का सब सर्वाधिक कहाँ फैला हुआ है, तब आंसर यूपी हो जाएगा। लेकिन ये दिए गए ऑप्शन में चुनाव करना है तो ऑप्शन दिए गए ऑप्शन में केरल आंसर हो जाएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये झांसी में स्थित है, इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह लार्जेस्ट नेट यानी नेचुरल पोर्ट, ये इम्पॉर्टेंट है अन एग्जाम के लिए भी, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट पूछ रहा तो इसका आंसर मुंबई हो जाएगा। क्या आंसर होगा? मुंबई। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती? तो विश्व में सर्वाधिक यानी हिंदी की बात बोली जाने वाली कौन सी है? तो यहाँ बंगाली हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चारवाक दर्शन ये लोकायत दर्शन कहा जाता है, यावत जीवित ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तो ये जो दर्शन है इसी को लोकायत दर्शन कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित को काल क्रमानुसार लगाइए, सातवाहन उसके बाद वाकाटक उसके बाद चालुक्य, आलरेडी एबीसी आलरेडी क्रम में लगे हुए सातवाहन वाकाटक उसके बाद चालुक्य। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक कौन सा था? तो ये मान लो पूर्वी भारत यहाँ से लेके सब पूर्वी भारत है, तो पूर्वी भारत में अरिकामेडु प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। अरिकामेडु ये भी क्वेश्चन रिपीट है, पहले पूछा जा चुका है। कल्लहर की राज तरंगिनी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवहों ने लिखी है, और गौडवहो लिखी थी कौन? वाकपति द्वारा गौडवहो लिखी गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है, उपरोक्त कथन संग्रह का नाम क्या है? तो उसी को त्रिमुराई कहा जाता, जबकि शिलप्पादिकारम में भी हम पीछे वाले डिस्कशन बता चुके आदिगन इलंगो इसका यानी तमिल में लिखा गया महाकाव्य तोलकप्पियम, और आपका कौन ये आपके शिलप्पादिकारम, ये दोनों तोलकप्पियम को तोलकप्पियन ने लिखा है और शिलप्पादिकारम को आदिगन इलंगो ने लिखा, ये दोनों क्या है? महाकाव्य है तमिल का। लेकिन यहाँ महाकाव्य नहीं, यहाँ पाँचवा वेद पूछ रहा, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा, क्या? त्रिमुराई। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी? और यहीं से शुरू होता संगम वंश, और संगम के बाद आपका ये क्रम भी पता होना चाहिए, संगम सालू तुलु और उसके बाद फिर अरबीडू। और इस तुलु वंश जो आपका तीसरा है इसमें आप जाएंगे तो इसमें कृष्णदेव राय 1809 से लेकर 1827 क्या है, ये आप लिख के बताइएगा, यानी कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित थे, ये भी अन्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद तथा अराहीद्दीन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, अराहीद्दीन का झोपड़ा ये भी इन्होंने बनवाया था लेकिन अजमेर में, इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये इसमें किसका विलय था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, परसो अरेबिक टुर्को मंगोल इंडियन एलिमेंट सबका मिक्सअप था। विशिष्ट अद्वैतवाद, अगर अद्वैतवाद पूछता तब कौन हो जाता? शंकराचार्य अद्वैतवाद, लेकिन उसके आगे शंकराचार्य नहीं बल्कि ये विशिष्ट अद्वैतवाद पूछ रहा है, तो विशिष्ट अद्वैतवाद के इनके शिष्य रामानुजाचार्य थे, इसका आंसर हो जाएगा 89 का बी। यहीं पर अन्य भी जान लीजिए, अगर माधवाचार्य पूछे तो ये किसके थे? तो ये आपका द्वैतवाद के कौन है? माधवाचार्य। कैसे याद रखूँ? मध्यमत का मतलब दो हिस्से हो गए, यहाँ भी दो हो गए, तो और इसके बाद आपका द्वैतवाद ये भी पूछा जा सकता, तो द्वे कितने हो गए? चार। तो इसके क्या है? मान लो ये नींबू है, इसके चार फांके बना दिए और नींबू से क्या बन गया? चार फांके से द्वैतवाद के निम्बकाचार, तो आंसर क्या हो जाएगा? निम्बकाचार। अब ऐसे याद रखोगे कभी एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होगे कोई भी दर्शन पूछे लिए, तो ये आपका
चार प्रकार के दर्शन बताए दिए। अगर अद्वैतवाद पूछे तो शंकराचार्य, विशिष्ट अद्वैतवाद तो रामानुजाचार्य, और उसके बाद द्वैतवाद माधवाचार्य, उसके बाद द्वैताद्वैतवाद तो इसका क्या हो जाएगा, अभी बताए निम्बिकाचार्य। आगे आइए क्वेश्चन, भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैया द्वारी प्रणाली कहाँ से शुरू हुई? तो भू राजस्व बंगाल से कार्नवालिस के द्वारा इसको लागू किया गया था, जबकि कार्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था ये बंगाल में कौन? कार्नवालिस। कार्नवालिस सिविल सेवा का जनक भी कहलाता है, जबकि मद्रास में जो इसको लागू किया था, मद्रास व बम्बई में, तो आपको पता है मुनरो तथा उसका शिष्य एल्फेस्टन क्रमशः यानी मद्रास हुआ बम्बई में लागू किए थे। तो इसका आंसर पता चल गया होगा। आधुनिक भारत के इतिहास की घटनाओं को काल क्रमानुसार लगाना, स्वदेशी आंदोलन 1905, लखनऊ समझौता 1916, माल्य मिंटो सुधार 1909, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906, आगा खां सलीमुल्लाह तथा आगा खां, ये सब लोग मिलकर किए थे। तो इसमें आप देखोगे, अब इसके हिसाब से लगाओगे तो कोई भी आंसर सही नहीं है। भारतीय प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग कब ये बना था? तो ये 1882 में लॉर्ड रिपन, जिसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता, इसके काल में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता, तो ये प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अंतर्गत लगा, 1935 के अंतर्गत ख़त्म किया गया, और यहीं से 1935 में जब ख़त्म हुआ तो यहीं से प्रांतीय स्वायत्तता शुरू होती है। और दूसरा ये पूछे कि केंद्र में द्वैत शासन कब लगा था, तो ये आंसर हो जाएगा 1935 के अधिनियम से। तो यहाँ पूछा है प्रांतों को स्वायत्तता किस अधिनियम से मिली, 1935 आंसर इसका हो जाएगा। भारत में प्रिंटिंग प्रेस, पता है पुर्तगालियों के द्वारा कब भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई, और ये कब? तो ये पुर्तगालियों ने 1550 ईस्वी में लगाए थे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो इसका ऑप्शन देखते ही क्या आंसर हो जाएगा, यानी ये बिहार, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिहार ये भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता, क्योंकि नेपाल के साथ टच करता है। बाकी असम जो है, ध्यान से समझिएगा, असम सबके साथ, जितने भी पूर्वोत्तर के राज्य हैं सबके साथ असम सीमा बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आंसर 95 का हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस भाग में समानता एटॉल्स पाए जाते हैं? तो एटॉल्स ये आपका हॉर्स किनॉल के जो संरचना होती है, इसी को एटॉल कहा जाता, और एटॉल लक्षद्वीप एक प्रकार के एटॉल का क्या एग्जाम्पल है, तो लक्षद्वीप के पास कई एटॉल बहुत सारे पाए जाते हैं। अगला, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण क्या है? तो इनसैट एक मौसम विज्ञान संबंधी एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सी एक विशेष लक्षण, नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी आपको पता है भ्रंश घाटी में बहती है, और भ्रंश घाटी किससे निर्मित होती है, स्ट्रक्चरल ओरिजिन की है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा डी। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है, यानी लौटते हुए मानसून और लौटता हुआ मानसून जो वर्षा करता है, ये तमिलनाडु का तट, और तमिलनाडु का तट क्या कहलाता, कोरोमंडल कहलाता है, कोरोमंडल कहलाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा कोरोमंडल, ये सही होगा। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूरब घूमती है, इसके कारण मौसम परिवर्तन होता, बिल्कुल नहीं, इसकी वजह से दिन रात होते हैं, और उल्टा ये स्टेटमेंट सूर्य के चारों तरफ घूमने की वजह से मौसम परिवर्तन होता। तो यहाँ पर ना तो एक सही है ना तो दो सही है, बोथ स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, तो इसका आंसर होगा डी। इस प्रकार ये आज का रहा आपका पेपर। अन्य सभी जो यूपी का लोअर पीसेस मिस दे रहे हैं, या फिर अन्य उनके अदर स्टेट की एग्जाम है, या फिर पीसेस 24 अक्टूबर को है, या फिर आरो यारो है, तो सभी लोग इस वीडियो को देखिए, ज़रूर क्वेश्चन रिपीट, इससे ज़रूर क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में। जय हिंद, जय भारत।